हेलो, नमस्कार सभी को। ऑल टाइम टॉपर्स के डिजिटल मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो नमस्कार सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जो चर्चा का विषय जो अपना रहेगा वो रहेगा साथियों, BSTC जो 2 साल में हम कुल जो खर्च है वो कितना हो जाएगा। खर्च की बात कर रहे हैं, कुल खर्च कितना हो जाएगा। और हम बात करेंगे साथियों, जब से हम फॉर्म भरना प्रारंभ करते हैं और हमारा कंप्लीट जब साथियों फाइनल अंतिम जो परीक्षा होती है, तब तक के खर्च की साथियों अपन चर्चा करेंगे। कॉलेज में जाना है, एडमिशन होना है, फीस भरी जानी है, काउंसलिंग फीस भरी जानी है और एग्जाम फीस भरी जानी है, सभी की बात करेंगे, बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको जरूर देखें बेटा। बात करते हैं साथियों, कॉलेज जाएं या नहीं, फायदा किस में ज्यादा होगा। देखो, डोनेशन देना पड़ता है, डोनेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से होगा, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं बेटा। सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं साथियों, यहाँ पर देखो BSTC जो प्री DLED कहते हैं कि करने में कुल कितना खर्च आता है। जैसे कि साथियों अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले BSTC का फॉर्म, तो साथियों BSTC के फॉर्म भरने में हमारे जो रुपए लगते हैं वो लग जाते हैं साथियों 500 रुपए। वैसे 400 होते हैं, 450, यानी कि 450 से 500 रुपए अपने फॉर्म भरने में लग जाते हैं। ई मित्र वाला भी लेता है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। और अगर आप फॉर्म भरा तो आप तैयारी भी करते हैं बेटा, तैयारी करते हैं। एग्जाम आपका 2 महीने में आया, 3 महीने में आया, 4 महीने में आया, उसका भी डिस्टेंस रहता है। फिर आप क्या करते हैं साथियों, तैयारी करते हैं BSTC की। और BSTC की तैयारी और साथ के साथ स्टडी मटेरियल के लिए, दोनों के लिए जो खर्चा आता है हमका, वो 3 से 5 हजार रुपए तक का खर्चा आ जाता है। 3 से 5 हजार लगभग लगभग। कहीं पर फीस आप जो जमा कराते हैं, ऑनलाइन भी कोर्स परचेज करते हैं, कोई आपको 1000 में दे रहा है, कोई 1500 में दे रहा है, कोई 2000 में कोर्स दे रहा है, इस प्रकार से आपको कोर्स भी परचेज करके पढ़ाई करनी पड़ती है। अब फिर उसके बाद में आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो नेट डलवाना है हर महीने, अब आजकल तो नेट भी महंगा है तो नेट भी डलवाना पड़ता है, ठीक है। तो स्टडी पढ़ाई करने के लिए नेट डलवाना, या फिर कोई बच्चा लाइब्रेरी ज्वाइन करता है, तो उस हिसाब से आपके लगभग लगभग 3 से 5 हजार रुपए तक का खर्चा आपका आ जाता है साथियों पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद में आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, तो एग्जाम देने के लिए जब जाते हो तो कम से कम साथियों 500 रुपए का तो खर्चा आता ही है। कितनी दूर एग्जाम आया है, कितनी दूर आया है, 500 अगर ज्यादा दूर नहीं आया है तो 100-200 रुपए लग जाएगा। मैंने ये हमको लगभग लगभग इतना तो मैंने बता दिया कि भैया इतना खर्च हो जाता है आने में जाने में, ठीक है। गाड़ी से जा रहे हो, या फिर कोई बच्चा गाड़ी से जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाता है, तो लगभग 200-300 रुपए तो कम से कम मानो ही मानो बेटा। फिर इसके बाद में साथियों अपन बात करते हैं, ये तो था साथियों हमका जो बेसिक जो प्री जो एग्जाम हुआ है उस तक। अब एग्जाम के बाद में हमको देखो बेटा किस किस प्रकार का खर्चा हमका देखने को मिलता है। जैसे कि साथियों एग्जाम के बाद में जो खर्चा होता है, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में जब जाते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए हमें काउंसलिंग फीस तो जमा करानी पड़ती है बेटा। काउंसलिंग फीस जो है प्यार बच्चों 3000 रुपए है। कितने रुपए है? 3000। और उसमें 200 रुपए अलग से हैं। अलग से किस बात के हैं? क्योंकि जो ई मित्र वाला जो होता है प्यारे बच्चों, वो मोहर लगा के देता है, वही उसी मोहर की जो रिसीप्ट होती है वही हमें कॉलेज में जमा करानी पड़ती है। मोहर लगी होनी चाहिए, ठीक है। और बात कर रहे हैं साथियों, 200 रुपए कम से कम लग जाते हैं, 3000 + 200 यानी 3200 रुपए काउंसलिंग फीस लग जाती है। अब काउंसलिंग कराई, फिर हम बाहर देखते हैं कि कॉलेज कब अलॉट होगा। अब कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है, तो कॉलेज अलॉटमेंट के बाद में जो कॉलेज एडमिशन के लिए जाते हैं हम, ठीक है। तो पहले तो साथियों कॉलेज की जो फीस भरी जाती है वो आपकी भरी जाती है 13555 रुपए। फिर इसके बाद में साथियों हमको 500 रुपए कॉलेज में एडमिशन के समय लगते हैं, जैसे वो फाइल चार्ज के भी लेते हैं और डाक टिकट को भी ले लेते हैं, काफी जगह डाक टिकट वगैरह के ले लेते हैं। बाकी ये जो 200 रुपए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे, सर 200 रुपए बेटा डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठी करना है, फोटोकॉपी करनी है, बाकी अड्रम सड्रम सारी चीजों के लिए है। ई मित्र तक आना जाना पूरा लगा दिया मैंने खर्चा 200 रुपए का इसमें, ठीक है। और कॉलेज फीस हो जाएगी आपकी 13555 रुपए हो जाएगी। और इसके बाद में कॉलेज एडमिशन के लिए जाओगे तो 500 रुपए मैंने बताया ना, फाइल चार्ज वगैरह के लेते हैं,
कहीं कहीं दो कॉपी मांगते हैं, कहीं तीन कॉपी मांगते हैं, ठीक है। तो दो कॉपी तो लगभग लगभग कॉलेज वाले मांगते ही हैं, तो दो फाइल चार्जों का हो जाता है और ₹200 एडमिशन फीस हो जाती है, और उसके अलावा ₹25-25 के डाक टिकट लगते हैं, वो अलग हो जाते हैं। फिर इसके बाद में कॉलेज किट। अब कॉलेज किट के लिए 3,000 से 5,000, मैंने 3,000 से 5,000 इसलिए बताया बेटा, देखो लड़कियां जो होती हैं लड़कियों के लिए साथियों एक्स्ट्रा खर्च आता है विदाउट बॉयज के, यानी लड़कों के अलावा लड़कियों के लिए ज्यादा खर्च होता है बेटा जी, यानी 3,000 से 5,000 तो मैं आराम से मिनिमम मानो। जो हमारे जो अंकल हैं उनकी लड़की है, मैंने साथियों उनको पढ़ाया भी था, उनका नंबर भी आया दोसा में, उनका नंबर आया था, तो मैंने उनको मैं कॉलेज में लेके गया, वही प्रक्रिया सारी चीजें मैं बता रहा हूँ जो मैंने, क्योंकि उनका सारा कुछ मैं ही देख रहा हूँ, कॉलेज में आना है जाना है, कॉलेज में आने जाने का भी मैं ही लेकर जाता हूँ, मैं ही लेकर आता हूँ, है ना। और इंटर्नशिप चल रही है तो इंटर्नशिप के लिए भी मैं खुद गया था कॉलेज में, और खुद ही मैं उनको लेके आया था। इंटर्नशिप का जो कागज देते हैं, यानी कि जो कॉलेज वाले जो लिखकर देते हैं, वो इंटर्नशिप का कागज जो प्रिंसिपल मोहर वगैरह लगा के देता है, जहां पर आया है वहां पर जमा कराना पड़ता है, ठीक है। और साथियों देखो आगे बात कर रहे हैं, कॉलेज किट के लिए 3,000 से 5,000, यानी कि जो मैंने बताया ना कम से कम 3,000 तो लगते ही लगते हैं, ड्रेस के जो ड्रेस बनती है उसके लिए ले लेते हैं। फिर उसके अलावा साथियों फिर आपके यहाँ पर एग्जाम फीस, जो एग्जाम होता है उसकी फीस कम से कम किसी कहीं कहीं 200 लेते हैं, कहीं कहीं 300 लेते हैं, कहीं कहीं 500 लेते हैं। तो बेटा जी कॉलेज की जो फीस होती है लगभग लगभग मैंने आपको ₹500 लगा के चला, 500 हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप कॉलेज नहीं गए बेटा, हाजिरियों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है, हाजिरी पूरी भरवानी है, तो आप कॉलेज नहीं गए तो बेटा जी आपके आप बात करोगे कि डोनेशन की, कि भैया हमें कॉलेज नहीं जाना है, तो डोनेशन के लिए आपको बताया जाएगा कि फर्स्ट ईयर में कम से कम 15,000 से 20,000 मैं जो दिया हुआ है ना मैंने वो मैं बता रहा हूँ बेटा जी, मैंने जो दिया हुआ है वो मैं बता रहा हूँ, 15,000 से 20,000 के बीच बीच एक साल में ले लेते हैं बेटा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में लेंगे। बाकी वो बताने को तो दो साल की एक साथ बताते हैं 35,000, 35 की जगह वो 30 भरवाने के लिए बोलते हैं कि दो साल की एक साथ में ₹30,000 जमा करा दो, ठीक है। आप एक एक साल करके भी जमा कराओगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपका एक महीने के लिए तो इंटर्नशिप होता है, सेकेंड ईयर में 4 महीने की हो जाती है, ठीक है बेटा। फर्स्ट ईयर में बात करते हैं लगभग आप 15,000 तो मान के ही चलो कि 15,000 तो आपको डोनेशन में देना ही पड़ेगा, और सेकंड ईयर में लगभग आप जाओ चाहे नहीं जाओ, लेकिन फर्स्ट ईयर में डोनेशन दिया है तो सेकंड ईयर में भी डोनेशन देना पड़ता है। बाकी फिर नहीं तो वो जो कॉलेज वाले जो नंबर्स भेजते हैं फिर उसके लिए कॉलेज वाले अलग से मांगते हैं, फिर वहां पर देना पड़ता है बेटा, ठीक है। यानी कि आप मानो कि 25,000 रुपये आपकी दोनों साल की डोनेशन तो जाएगी ही जाएगी, कन्फर्म है, आप जैक जुगाड़ लगा के उसको 20 करवा सकते हो। अब देखो प्यार बच्चों, एक साल में लगभग अगर मैं खर्च की बात करूं तो प्यारे मित्र विद्यार्थियों 40,000 रुपये का लगभग एक साल का खर्चा आपका आ जाएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं साथियों सेकेंड ईयर में वही प्रोसेस है कॉलेज की फीस, यानी वो 3,000 तो जो आप काउंसलिंग कराते हैं वो कॉलेज में जमा होती है वो भी, ठीक है, यानी ₹16,555 हो जाएगी। बाकी एग्जाम फीस ₹500 और एक्स्ट्रा जो खर्च है बेटा, यानी आना है जाना है कॉलेज का है, यानी कॉलेज में फाइल्स वगैरह का चार्ज वगैरह है, यानी कि जो आपके लिए जो इंटर्नशिप के जो बनाते हैं ना प्यार बच्चों फाइल वगैरह बनती है काफी बार उनका भी चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है बेटा, ₹3,000 कम से कम मान के चलो। इसके बाद में दूसरे वर्ष का जो लगभग जो खर्च आता है प्यार बच्चों वो 30,000 का मैं लेके चल रहा हूँ, लगभग ₹30,000 का खर्च आ जाता है। अब BSTC टू ईयर में BSTC जो दो साल की है उसमें जो कुल खर्चा आपका यानी कि 70,000 के समथिंग मान के चलो, और मैंने 70 से 80 इस वजह से बताया बेटा क्योंकि आपको देखो पहले साल के जो मैंने आपको यानी जो आपने तैयारी की थी वो खर्चा भी अपने इसमें नहीं लिया, यानी 70 से 80,000 रुपये आपका मिनिमम खर्च हो ही जाता है। और साथियों देखो और किसी प्रकार की कॉलेज में जाता रहता हूँ वैसे कॉलेज में, तो कॉलेज की कोई भी जानकारी आपको वैसे भी प्राप्त करनी हो, ठीक है, बाकी हम टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं बेटा डिटेल, बाकी आपको बेटा जी इस नंबर पे मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है बेटा, इस नंबर पे आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं बेटा व्हाट्सएप पे। और देखो मैंने एक लाइन लिखी थी वहां पे, कॉलेज हम रेगुलर जाएं या नहीं जाएं, बेटा कॉलेज अगर आपके नजदीक है तो आप रेगुलर जा सकते हैं, अगर कॉलेज आपसे दूर है जैसे 20 किलो जैसे कि आपका 50 किलोमीटर दूर है 70 किलोमीटर दूर है 80 दूर है
यानी 100 से भी ज्यादा दूर है, काफी बार हो जाता है बेटा। जैसे हम यहां से जाते हैं, भरतपुर से दौसा जाते हैं, तो 120 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। तो बेटा जो डिस्टेंस हो गया, तो वहां रहकर पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि खर्चा साथ डोनेशन से भी ज्यादा आ जाता है, ठीक है। अगर दूर है आपका, नजदीक है प्यार बच्चे, 2-4-5 किलोमीटर का है, तो आप जा सकते हैं। वो 10 से 15 हजार रुपए आपका साथियों, यानी कि खर्चा उतना ही हो जाता है। वैसे मैंने ऑब्जर्व किया है, देखा है, हमारे घर में बीएड भी कर रहे हैं, बीएचटीसी भी कर रहे हैं, ठीक है। दो दो बीएड चल, 3 बीएड चल रही हैं और 1 बीएचटीसी का भी है, यानी 4 जो टीचर की लाइन में वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉलेज रेगुलर जाए या नहीं जाए, आपका मैंने आपको बता दिया, नजदीक है तो आप रेगुलर जा सकते हैं, वो उसके आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कॉलेज में डोनेशन जमा करवा सकते हैं। बाकी अगर रेगुलर नहीं जाए तो मेरे हिसाब से आप रीट की तैयारी जरूर करें बेटा, ठीक है। रीट की तैयारी करें बेटा जी, किसकी तैयारी करें, रीट की तैयारी करें, प्री पेपर की तैयारी करें। लगातार आप अगर 2 साल तक तैयारी करते हो, लगातार 2 साल तक तैयारी करते हो, आपका प्री और मेंस एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका निकल जाएगा, और आप 2-2.5-3 यानी 2.5 से 3 साल के अंदर अंदर आपकी जॉब भी लग जाएगी बेटा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मैंने पूरा प्रयास किया है सारी चीजों को बताने का, जो मैं ऑब्जर्व करता हूं, जो मैंने देखा हुआ है, जो मैं कॉलेज जाता हूं, उसी के आधार पर मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर जो भी विद्यार्थी पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अधिक जानकारी के लिए मैंने आपको फिर से बता देता हूं, मेरा जो नंबर है प्यारे बच्चे 70-14-57-91-53। और आगे साथ हम तैयारी भी कराते हैं बेटा, रीट की तैयारी भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है बेटा, एप्लीकेशन है ऑल टाइम टॉपर्स के नाम से, इसके नाम से ऑल टाइम टॉपर्स, ठीक है, ऑल टाइम टॉपर्स के नाम से एप्लीकेशन है। और बीएसटीसी में हाईएस्ट जो नंबर आए हैं हमारे पास से, वो 513 अब तक हाईएस्ट आए हैं बेटा जी, ठीक है। जो इसी साल यानी कि जो हम 2024 की वीडियो है तो 2024 की बात कर रहे हैं, 513 हाईएस्ट नंबर आए हुए हैं। खूब मेहनत कराइए, खूब तैयारी कराइए, एप्लीकेशन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें। और बाकी टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम चैनल भी साथियों ऑल टाइम टॉपर्स के नाम से ही है, इसके नाम से बैठ बच्चे ऑल टाइम टॉपर्स के नाम से ही है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के साथ में और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।